भाई जो राइडर भैया ना जिस तरह शो में रह के ये झगड़ते रहते थे, क्रिएटिव सेट का जो है वो झगड़ा रहता था मेकर से, बिग बॉस से, शो से निकलने के बाद सेट पे भी जो है क्रिएटिव सेट का झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई इविक्ट होता है तो उसको जब तक के टेलीविजन पे जो है वो एपिसोड टेलीकास्ट ना हो जाए ना, उससे पहले जो है ना ये उसको बंदे को बाहर नहीं निकालते। तो अभी निकाला होगा तो ये वहां पे भी जो है अपनी वो जो है वो दिखा के आए होंगे। जो राइडर भैया का एक वो जो है ना वो उन्होंने वहां पे भी अपना वो दिखाया है, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने स्टोरीज डाली। अच्छा इन्होंने बड़ी उसमें जो है ना सॉन्ग जो डाले ना, जिंदगी की यही रीत है और उस पे लिखा है कि गंदे गेम खेल के निकाला गया है, फेयर तरीके से नहीं निकाल सकते। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि अनफेयर इविक्शन। और जो है ना इसके बाद एक और इनके भाई ने भी एक चीज लिखी है कि भाई भाड़ में गया बिग बॉस। अरे भाई मतलब इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन दोनों भाई जो जबरदस्त तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई जो है ना इनके साथ बहुत बड़ा जो है ना वो झोल किया है मेकर्स ने, बहुत बड़ा झोल किया है। मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, गेम में तो कंट्रीब्यूशन नहीं था, जो सच बात है गेम में कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब अनफेयर तरीके से निकाला गया है जिस शो को, आप इतना अब्यूज कर रहे हो, बाहर से आपका भाई भी अब्यूज, इतने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है उसके बारे में, अब आप फिर ये बात कर रहे हो। अब ये इन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री लिख दी है, हिस्ट्री में सोना, सबसे ज्यादा सोने वाला कंटेस्टेंट बाबू भैया, राइडर भैया सबसे ज्यादा सोए है ये, इसमें तो इन्होंने हिस्ट्री लिखी है भाई, ये तो बात मानने वाली है। अब भाई कल आएंगे राइडर भैया के इंटरव्यूज, या थोड़े देर में हो सकता है हमें दिखने में मिल जाए जो इनके इंटरव्यूज है, और उसमें हमें पता चलेगा कि भाई राइडर भैया जो है वो क्या कहते हैं, कितना गुस्सा उनके अंदर है, क्योंकि उनके कॉल तो उनके कहने के मुताबिक तो भाई वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जा रहे थे। अब आपका ये कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएगा कि भाई आपको क्या लगता है राइडर भैया के साथ गलत हुआ है वाकई।